शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक्सक्यूज मी, अगर मैं गलत नहीं सोच रहा तो कहीं आप मेरी बहन पूजा की सहेली तो नहीं? बाय बेबी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते लल्लू। हाय गाइस, व्हाट्स अप? ये जो गई वो कहीं? हाँ, मेरी बहन पूजा की सहेली। यार यार मीत, मैं आज तक समझा नहीं तेरा ये फॉर्मूला हमेशा चलता कैसे है। अबे बहुत सिंपल है यार, पूजा से ज्यादा आम नाम तुझे इस देश में मिलेगा नहीं। अगर तू रोड पे खड़े रह के पूजा चिल्लाएगा ना तो 10 आगे खड़ी हो जाएंगी। हर लड़की के किसी न किसी दोस्त का नाम पूजा होता ही है, तो मैं बन जाता हूँ पूजा का भैया और फिर उसकी दोस्त का सैया। यार तेरे माँ बाप ने बहुत सोच समझ कर तेरा नाम मीत रखा है। जिस लड़की को मीत करता ना उसका मीत बन जाता है। तू तो मेरा फंडा जानता ही है यार। और दिन सुबह होते ही बदलने चाहिए। अब्बास खुद की लाल करना बंद कर यार। तुम दोनों अपनी छोड़ो यार, मैं सुबह से 10 बार दूल्हे का यूनिफॉर्म ट्राई कर चुका हूँ लेकिन मुझे अभी भी घबराहट हो रही है। अबे होनी भी चाहिए, क्योंकि शादी के साथ ना सिर्फ एंगेजमेंट रिंग और वेडिंग रिंग आते हैं बल्कि एक और रिंग भी आता है। कौन सी? सफर रिंग। इसलिए मेरे दोस्त आज की रात दिल खोल कर जी ले, क्योंकि कल सुबह होते ही तू तो गया रे। और जोर से और दम लगा। अरे मैं थक गया हूँ, इंसान हूँ मशीन नहीं, एक घंटे से कर रहा हूँ। मैंने कहा ना रुको मत, तुम्हें कम से कम 3 बार और करना है। कल भी तुम जल्दी थक गए थे, कम ऑन दम लगा। ओ माय गॉड, चलो उठो, इसके बाद दंड भी मारने हैं। पिछले 3 सालों से दंडी तो भर रहा हूँ। क्या? कर रहा हूँ दंडी तो कर रहा हूँ। अरे बिंदिया, तूने मेरा चश्मा देखा कहीं? यही कहीं होगा माँ। पता नहीं मेरी नजर को किस कमीने की नजर लग गई है, बिना चश्मे की नजर ही नहीं आता मुझे। अरे जल्दी कर बिंदिया, आज WWF में ब्रॉक लेसनर कर्ट एंगल की टांगे तोड़ने वाला है। सोफे की टांगे टूट गई। टांगे सोफे की नहीं, मेरी कमर टूट गई। अमर तू? हाँ, आप मुझे सोफा समझकर मुझ पर बैठ गई। थैंक गॉड तू था सोफा में। आजकल सोफे कितने महंगे हो गए। क्या आपको सोफे की पड़ी है, मेरी नहीं टूटी है। अरे थैंक यू बेटा। छी, कान खोलकर सुन ले, कुछ ही हफ्तों में मेरा भांजा दिल्ली से ट्रांसफर होकर मुंबई आ रहा है। उसने अगर देख लिया कि मेरा जमाई ऐसा डेढ़ पसली का है तो मेरी तो नाक कट जाएगी बिरादरी में। आप चिंता मत कीजिए माँ, पुदीना और करेले का जूस पिला पिला कर मैंने डेढ़ पसली से ताजन बना दूंगी। ताजन नहीं बेटा, अंडरटेकर। हाँ। और बेटा सुन, तूने मेरे लिए आलू के पराठे बनाए ना मक्खन के साथ? हाँ, और गाजर का हलवा भी मम्मी। यम्मी। मम्मी मम्मी, मुझे पराठे मिलेंगे? पराठे मांगे तो चाटे मिलेंगे। अब जल्दी जाकर तैयार हो जाइए, क्लिनिक जाने का टाइम हो गया है। ये लीजिए आज की जेब पर्ची, 20 रुपए ऑटो से क्लिनिक जाने के लिए। और वापस आने के लिए? हाँ। और कॉफी? शट अप। लोगों के दांतों की कैविटी भर भर के पैसे मैं कमाता हूँ और मुझे तुमसे पॉकेट मनी मांगनी पड़ती है? हाँ, ताकि तुम बाहर का खाना ना खा सको, दूसरे मर्दों की तरह सिगरेट और शराब ना पी सको। अब जाओ और नहलो। जाओ और नहलो। राबो, बाहर कोई पेशेंट रुका है? रुका नहीं सर, रुकिए। और ऐसा लग रहा है जैसे कि इंतजार आज का नहीं जन्मों का है। क्या, कौन है बाहर? मिस सक्सेना। सक्सेना? डर के मारे मेरे दिल की धड़कन कैसे धक धक कर रही है, देखो ना। रामू तू कुछ भी कर, उस सक्सेना को भगा यहां से। लेकिन क्यों? क्योंकि वो ऐसी एवर रेडी बैटरी है जो मुझे चार्ज करने के लिए एवर रेडी रहती है, और मुझे डेडी रहना है। अरे सर, दुनिया कहती है गिव मी रेड और आप रहना चाहते डेड। तू मेरे साथ बहस मत कर, तू जो मैंने कहा वो कर। सक्सेना को बता के मैं बीमार पड़ गया और मैं यहां से चला गया। लेकिन सर आप बाहर जाएंगे कैसे? Excuse me, folks. Come on, come on, girls, fast. Excuse me for the delay. और अमर कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? अरे भाई, जब तक कुछ किस्म के लोग इस दुनिया में मौजूद हैं
हम जैसे सेक्सोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस तो जोर शोर से चलती रहेगी. Isn't it, baby? Oh, excuse me. हेलो. यस डार्लिंग, बोलो. नहीं नहीं, आज मैं जरा देर से आऊंगा. क्यों? अरे ओवर टाइम जो कर रहा हूँ, तुम तो जानती हो कितने पेशेंट्स हैं मेरे पास. कभी कभी तो दो दो पेशेंट से निपटना पड़ता है मुझे, तुम जानती हो ना. हाँ तुम खाना खा लेना. नहीं नहीं, मैं खाना खा के आऊंगा. नहीं कुछ नहीं. ओके बाय डार्लिंग, लव यू वाइफ. एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, आप पुराना मारे तो आपसे एक बात पूछो. हाँ पूछो, क्या बात है. आपने कहा कि आप घर देर से आएंगे. हाँ, और वो बिना कुछ कहे मान गई. अरे भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है. सुनो, बीवियों को ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना वो सर का दर्द बन जाती. उन्हें हमेशा इस बात का एहसास दिलाते रहना चाहिए कि घर में पतलून वो नहीं, हम पहनते, समझे. गुड मॉर्निंग बिंदिया जी. ठीक है ठीक है, चाय रखो और कपड़े धोने जाओ. जो हुकुम बिंदिया जी. अरे कहाँ खो गए भाई. नहीं नहीं कुछ नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं. उनको हमेशा बताते रहना चाहिए कि घर में पतलून हम ही पहनते हैं. ओके 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 गर्ल्स, आप लोग गाड़ी में लिए वेट करो, मैं भी आया. एंड डोंट बी नॉटी नॉटी विदाउट मी. ओके ओके. यू नो अमर, जब से ये दो लड़कियों को मैंने नर्स की नौकरी दी है, मरीजों की भीड़ लगी हुई है. हाँ, अभी दो तीन दिन पहले की बात है, एक बेचारा मरीज थके सिपाही की तरह अटेंशन चिल्लाने पर भी विश्राम में ही रहता था. लेकिन इन दोनों को देख के विश्राम से सावधान, सावधान से सैल्यूट, समझे. अमर मैं तो कहता हूँ कि तुम भी अपने डिस्पेंसरी के लिए एक तीन नस रख लो. वो क्या है ना कि लड़कियों के साथ मैं बड़ा अजीब सा महसूस करता हूँ. लड़कों के साथ मैं काफी कंफर्टेबल हूँ. नहीं नहीं, मेरे साथ ज्यादा कंफर्टेबल मत हो जाना. नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बातों में तो बिल्कुल प्रेम बुझा रही हूँ. ओह भाई, एक मिनट के लिए मैं समझा कि तुम प्रेम पुजारी नहीं, किसी प्रेम के पुजारी, यू नो. सी यू. ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे प्रेम. ये बंद करा यार ये रेडियो को, साला अपना दोस्त है लेकिन कितना बेसुरा गाता है. अरे इतने बरसों के बाद अपने दोस्तों से मिला हूं, आज ये पगली दिल खोल के गाएगी. अबे देख, तेरा गाना सुन के मोबाइल भी रोने लगा. हेलो, कहाँ हो तुम? हाँ चल. पता है कितनी देर हो गई है. हेलो हेलो हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम. वहाँ बेटर है. जस्ट हेलो हेलो. ये पट्टू, हेलो. ये तो बोल रहा था कि इसकी बीवी उसको बहुत स्पेस देती है. Hello. तो बार बार फोन क्यों कर रही है. हेलो हेलो, हाँ बोलो जानू. मैं यही अमर प्रेम और मीत के साथ नहीं हूँ, सच्ची. मैं भी वहाँ आ जाऊँ, इसी बहाने उन दोनों से भी मिल लूंगी. नहीं 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 नहीं, तुम यहाँ मत आना, मैं भी घर आ रहा हूँ जल्दी, प्लीज. ओके जानू, बट यू लव मी नो. हाँ आई लव यू. यू मिस मी नो. हाँ आई मिस यू. बाय. ओके बाय. ये क्या हो गया तुम्हें आंचल? Is this any way to behave? यही सिखाया मैंने तुम्हें. बार बार इन छोटी बातों के लिए तुम मुझे क्यों फोन कर रहे हो? समझाया था ना, जब मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ मुझे पसंद नहीं है कि तुम मुझे फोन करके डिस्टर्ब करो. मैं जब तक चाहूँ जितनी देर तक चाहूँ घर से बाहर रहूंगा, अंडरस्टैंड? तुम सो जाओ. पतलून बराबर पहनता है साला. क्या सुन नहीं समझेगा यार? मैं बोल रहा हूँ खबरदार, अगर दोबारा फोन किया ना. तू इतने देर से हमें बेवकूफ बना रहा था? अपनी बीवी पर रोब जमाने का झूठा नाटक कर रहा था तू? क्या जरूरत ये सब करने की मेरे दोस्त? क्यों मेरे झूठ का कि मेरी बीवी मुझे स्पेस देती है. अरे मेरी बीवी तो स्पेस में घूमती है, सैटेलाइट की तरह है जो 24 घंटे मेरे सर पर मंडराती है और मुझ पर नजर रखती है. इतनी बड़ी चिपकू है, इतनी बड़ी चिपकू है कि अगर फेविकॉल वालों ने देख लिया ना तो उसे स्पॉन्सर कर देंगे. हम जब थिएटर में पिक्चर देखने जाते हैं तो हमारी दो सीटों के आगे के दो, पीछे के दो, दाएं के दो, बाएं के दो सारी सीटें बुक कर लेती है ताकि गलती से भी कोई खूबसूरत लड़की मेरे पास ना आके बैठे. दोस्त बुढ़िया.
जो मेरे चप्पू बाल है ना, ये कोई नया स्टाइल नहीं है दोस्त। पीपल के पेड़ के नीचे के गटर के पास बैठे बिरजू नाई से कटवाए मेरी बीवी ने, ताकि मेरी लंबी लटों को देखकर कोई सुंदर लड़की मेरे प्यार में लंबी ना हो जाए। दोस्तों, मैं वो बंदर हूँ जिसे पिंजरे में ना सिर्फ रखा गया है बल्कि पिंजरे के अंदर के पेड़ से बांधा भी गया है। मत रो यार, तेरी बीवी 24 घंटे कम से कम तेरे पीछे सैटेलाइट की तरह लगी रहती है। मेरी बीवी को शंकर किशन और पवन से टाइम मिले तो मेरे पीछे भागे ना। क्या तेरी बीवी का इन तीनों के साथ अफेयर चल रहा है? अबे नहीं रे, मैं शंकर भगवान किशन कन्हैया और पवन पुत्र हनुमान की बात कर रहा हूँ। उसे छूने के बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं किसी मंदिर में खड़ा हूँ, घंटा बजा रहा हूँ। तू तो सिर्फ घंटा बजा रहा है, पर मेरी बीवी और उसकी बात तो मेरी पूरी बैंड बजाती है। उन दोनों की माँ बेटी की नहीं, WWF की जोड़ी है। जिंदगी के अखाड़े में रोज मुझे पटक पटक कर धोती है। आज मैं हम तीनों की हालत देख के समझ गया कि ज्यादातर मर्द ही हार्ट अटैक से क्यों मरते हैं। क्यों? क्योंकि औरतों के पास तो दिल ही नहीं होता। ये बीवियां परेशान कर करके हम मर्दों को तो मार ही देती है। हमारी जिंदगी में ना ही कोई मजा है, ना ही कोई मस्ती, बल्कि एक ऐसी भेलपुरी है जिसमें चटनी नहीं है। एक ऐसी कुल्फी है जिसमें मलाई नहीं, एक ऐसी दाल है जिसमें तड़का नहीं। रोज वही फीकी सूखी बिना स्वाद वाली दाल खाकर मैं थक गया हूँ। स्टॉप थिंकिंग अबाउट सेक्स सुब्रमण्यम, काम करो। सॉरी। वेंकटेश्वरा, सुंदरी को हमारे पास आने दो। नहीं भगवान, इसकी मत सुनना, उसे मेरे पास लाना। देवी आना। ले ले, अब बैठे ना। थैंक यू सो मच। क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? एक्चुअली मैं यहाँ अकाउंट। आप मेरी मदद करेंगे ना? एक्चुअली मैं पहली बार खुद खोल रही हूँ ना। अरे मैं तो रोज खोलता हूँ, आपको खोलने में खुशी खुशी मदद करूँगा ना मैं। थैंक यू सो मच, आपने तो मेरी सारी चिंता ही दूर। अरे नो प्रॉब्लम, बस आप जरा ये फॉर्म भर दीजिए और शाम को आकर पासबुक और चेकबुक लेके जाइए। शाम को? ओह गॉड, एक्चुअली शाम को मेरे हस्बैंड आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, यू नो, तो मैं घर पर बिल्कुल अकेली रहूंगी। बिल्कुल अकेली? तो फिर आपको आने की कोई जरूरत नहीं, पासबुक और चेकबुक लेकर मैं घर आ जाऊंगा रात को। रियली? ऑफ कोर्स। हाउ स्वीट, आप मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाएंगे? अरे इसमें तकलीफ ही क्या बात है, ये तो हमारी बैंक की खासियत है। रूम टू रूम, सॉरी डोर टू डोर सर्विस। बस आप अपना एड्रेस दे दीजिए। ओह श्योर, व्हाई नॉट। थैंक्स। ओके प्रेम बाबू, हमारा वाइफ भी आउट ऑफ टाउन है। किसके साथ? यू आर राइट, वेंकटेश्वरा। Hi. Hi. How are you? Very well, thank you. आइए ना, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आप जैसे ब्यूटी ड्यूटी के लिए मैं तो दौड़ा चला आया। Really? Yes. How sweet. Thank you. ये रहा आपका पासबुक और चेकबुक। पासबुक अपने पास रहने दीजिए, चलिए बेडरूम में चलते हैं। बेडरूम? हाँ, बहुत अच्छा बेडरूम है आपका, इतना रूम है, बेड भी है। How cute. यहाँ कुछ ज्यादा गर्मी नहीं लग रही? हाँ बहुत गर्मी है। तो कपड़े क्यों नहीं उतार देते? क्या? रिलैक्स। और ये गर्मा गर्म दूध, मैं यूं गई और यूं आई। पियो ना। हाँ, हाँ, हाँ। अलग अलग है स्वाद इसके, स्ट्रॉबेरी पिस्ता और केले, दूध ही लेना है तो ले ले, दूध ले ले। टिंग टिंग टिंग। अंकल
यार कितनी बार कहा है कि मेरे पैर मत छुआ करो। आप नाराज क्यों होते हैं? बहुत थके लग रहे हैं। हाँ हूँ। मैंने आपके लिए गर्मा गर्म दूध तैयार रखा है, थोड़ा सा पी लीजिए। दूध? हाँ दूध, नया ब्रांड है, ले ले दूध। ले ले, ले ले, अलग अलग स्वाद है, स्ट्रॉबेरी मिलता है। क्या हो रहा है आपको? दूध ले, तो ले ले दूध ले। आप अगर मुझे इतना अच्छा खाना खिलाएंगे तो मुझे हर रोज बाहर खाने की आदत हो जाएगी। वही तो मेरा इरादा है कि मैं रोज बाहर का खाना खाऊं, और अगर साथ में खाएंगे ना तो और भी मजा आएगा। आप कितने अच्छे हैं। और अकेला भी, आज रात मेरे साथ डिनर पर चलोगी? मेरा अकेलापन दूर करना। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? शीतल, जितने सपने देख लिया ना अभी देख लो, क्योंकि आज रात मैं तुम्हें ना ही सोने दूंगा और ना ही सपने देखूंगा। मैं बस यों गया और यों आया। Come on, Meet. You can do it. अरे मुझे तो लगा था इतने सालों की सुस्ती के बाद तूने जंग पकड़ लिया होगा, लेकिन नहीं, you're still the best. Come on. यहाँ क्या कर रही है? इसने मुझे शीतल के साथ देख लिया तो मेरी जिंदगी का केबल कनेक्शन हमेशा के लिए कट जाएगा। भाग मीत, टेबल के नीचे। जानू? मर गया मीत। जानू? जानू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वही तो मैं तुमसे पूछने वाली थी। तुम यहाँ? मैं तो वो बाथरूम जाने के लिए आया था ना। क्या है कि हमारे शोरूम का बाथरूम खराब हो गया, इसलिए यहाँ आया था। बहुत अच्छा बाथरूम है, वेरी गुड। वाह, क्या बाथरूम। चलो अच्छा हुआ, मैं अभी तुम्हें फोन करने वाली थी। अच्छा, क्यों? I missed you, no, Janu. चलो यहाँ बैठ के आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम? अच्छा, मुझे तो बहुत बुरी सर्दी है। सर्दी? हाँ। चलो ना डॉक्टर के पास चलते हैं। हाँ, चलो चलो कहीं ना चलो। Excuse me sir, कहाँ जा रहे हैं आप? आपका बिल? बिल? कैसा अजीब रेस्टोरेंट है, बाथरूम जाने के लिए बिल लगता है। बिल यहाँ नहीं, टेबल पर दो। टेबल पर दो बिल। क्या जानते हो तुम लोग, काम नहीं जानते हो? जाओ टेबल पर बिल दो। तुम चलो ना डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास चलते हैं। तुम यहाँ क्यों आए? अरे जानू, कितनी अच्छी हो तुम, तुम्हारा कितना ख्याल रखती हो। एक्सक्यूज मी मैडम, योर बिल प्लीज। बिल? बिल तो वो देंगे। कौन वो? तुम कितनी अच्छी हो ना, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। चलो जानू, जानू देखो मैं तुम्हारे लिए नाश्ते में क्या लाई हूँ। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों उतरा हुआ है? अब तुम्हें क्या बताऊं? अभी मुझे नहीं बताओगे तो और किसे बताओगे? छोड़ो, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। ठीक है। अरे तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा यार? रामलाल जी की चिट्ठी आई है। रामलाल जी? हाँ, पता है आज से पूरे 30 साल पहले जब पिताजी पहली बार मुंबई आए थे, तब उनके जेब में सिर्फ 1 10 रुपए का नोट था। तब रामलाल जी ने उन्हें घर दिया, खाना दिया, नौकरी दी, सहारा दिया। इतना सब कुछ सिर्फ 10 रुपए में? सुनो ना, मरने से पहले पिताजी ने मुझसे कहा था कि बेटा मीत, भगवान चाहे तुम्हें जितने ही मौके दे, रामलाल जी का एहसान चुकाने के लिए वो कम है। और आज उनकी चिट्ठी आई है, उनकी बेटी की शादी हो रही है और लड़के वालों ने दहेज मांगा है। उन्होंने आज पहली बार मुझसे मदद मांगी है। अब तुम ही बताओ भला मैं उनकी मदद कैसे करूं? अरे, कैसे करूं? क्या कर रहे हो, हमें उनकी मदद करनी चाहिए ना। नहीं आंचल, नहीं नहीं, मैं उन बेशरम पतियों में से नहीं हूं जो अपने बीवी के बाप के पैसों को अपने बाप के दोस्तों में दान करते। कैसी बात कर रहे हो, जो कुछ मेरा है वो आपका ही तो है। नहीं आंचल, मैं अपनी बीवी से पैसे कभी नहीं ले सकता, नेवर। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। बापू, मुझे माफ कर देना बापू, आपको दिया हुआ वचन मैं नहीं निभा पाया। जानू, 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 प्लीज मत रोना जानू। देखो तुम्हें मुझसे पैसे लेने ही होंगे। हाँ चल। कितने पैसे मांगे थे उन्होंने? सिर्फ 10 लाख। क्या? आज शाम तक। ओ, मगर घर में मेरे पास सिर्फ 5 लाख रुपए हैं। वो बैंक में फिक्स डिपॉजिट है ना? हाँ, हाँ, बैंक में है। हाँ, चलो 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 जल्दी चलो जल्दी। बंदी बढ़िया को क्लोरोफॉर्म सुंगा के सुला देता हूँ। साली WWF की बच्ची है। कौन आ गया इस वक्त? अरे बाबा आती हूँ। चश्मा किधर है मेरा? आती हूँ। ये कौन है?
कोई नहीं है। मेरा चश्मा किधर है? अरे बाबा बोला ना आ रही हूँ। कौन है? अरे दूध वाला हूँ माँ जी। दूध वाला? इस टाइम पर? दूध वाले भैया तुम इतनी देर से क्यों आए हो? वो का है ना कि हमारी भैसन माँ जरा सुबह देर से उठी ना, इसलिए। अजीब फैशन माँ की फैशन माँ है तुम्हारी। रुको खोलती हूँ। You want to mess with me? Good night, my sweetheart. Golden Glove Gang. Baal baal bach gaye. अगर वो इंस्पेक्टर 5 मिनट पहले आया होता ना तो हमारी तो ये मोनिका हमारी फोटो साथ क्यों नहीं लाई? अरे क्या फर्क पड़ता है यार, अब जब मोनिका ही नहीं रही तो फोटो से क्या डरना? नहीं मीत, अमर सही कह रहा है, जब तक फोटो हमारे हाथ ना लगे डर तो रहेगा ही ना। हाँ हाँ यार, ये मेरी बीवी मेरी जान लेगी क्या? हेलो, हाँ क्या है? अभी के अभी घर आओ। क्या क्यों, क्या हुआ? घर आ, बताती हूँ क्या हुआ, और तुम्हारे दोनों कमीने दोस्तों को भी साथ लेके आना। क्या हुआ? अरे यार, मैंने आज तक आंचल को इतने गुस्से में नहीं देखा यार, और वो तो मुझसे कह रही थी कि अपने दोनों कमीने दोस्तों को भी साथ लेकर घर इसी वक्त आओ। क्या? हाँ, और ऐसे भड़क रही थी जैसे कि उसने मुझे मोनिका के साथ। अबे अबे, कहीं मोनिका ने वो सारी फोटो हमारे घर तो नहीं भेज दी? क्या बात कर रहा है यार, शिट 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 शिट। दरअसल बात ऐसी है ना जानू कि मत कहो मुझे जानू, तुम्हें क्या लगा कि मैं चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूंगी? हाँ, आंचल मुझसे इतना प्यार करती है कि मैं चाहे जो भी गलती कर लूं वो मुझे माफ कर देगी, यही सोचा था ना तुमने? मगर तुम एक बात भूल गए कि औरत जितना प्यार कर सकती है ना उतनी ही नफरत भी कर सकती है, और वक्त आने पर वो लक्ष्मी से दुर्गा का भी रूप ले सकती है। तुम दोनों, लानत है तुम दोनों पर, तुम दोनों दोस्त नहीं दरिंदे हो, दरिंदे। मुझे पता है ऐसी घिनौनी हरकत करने के लिए तुम दोनों ने ही इन्हें बहकाया होगा। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, सारा प्लान तो इस प्रेम का है। झूठ बोल रहे हो बिंदु। तुम यहाँ? हाँ, हम तीनों यहाँ है। गीता? क्यों, तुम्हें क्या लगा हम दिव्या नहीं जानती कि उनकी पति क्या कर रहे हैं? हमें सब पता है। क्या? हाँ, हम जानते थे कि तुम तीनों ये प्लान पिछले 1 महीने से बना रहे हो। और अगर तुम दोनों को ये लगता है कि मैं अपने पति को उनके जन्मदिन की रात अपने बीवी के साथ नहीं बल्कि
तुम दोनों के साथ बिताने दूंगी तो तुम लोग गलत सोचते हो। हाँ क्या जन्मदिन 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 हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू थैंक यू क्यों डरा दिया ना तुम तीनों को। हम तीनों बीवियों ने सोचा कि अब जबकि तुम तीनों पहले की तरह एक साथ घूमने फिरने लगे हो तो हमें भी दोस्ती करनी चाहिए। इसीलिए तो प्रोग्राम बनाया कि आज हम सब इकट्ठे मिलकर मीत का जन्मदिन मनाएंगे। मीत का जन्मदिन और मोरिका का मरणदिन। सुनो ना, आज हम सब सेलिब्रेट करने होटल जाएंगे और बिरयानी खाएंगे। बिरयानी मम्मी कहीं नजर नहीं आ रही। मम्मी 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 तो बाथरूम में नहीं, आई मीन बेडरूम में। तुम जाके उन्हें खोलो, आई मीन मिलो, तुम जाके उन्हें देखो, मैं अभी आता हूँ। ओके बाय। लगता है पुड़िया मिल गई। मम्मी जी आपका ये हाल किसने किया? दूध वाले ने क्यों? महीने के दूध का बिल तो हमने दिया था। अबे गधे सोफा गधे चोर दूध वाले के भेष में आया था, लेकिन मैंने उस कमीने को ऐसे घूंसे मारे कि जिंदगी भर भूलेगा नहीं। कीड़े पड़े उसे, उसकी सात पुश्ते बे औलाद निकले। मम्मी जी, अगर उसकी सात पुश्ते बे औलाद निकलेंगी तो उसकी सात पुश्ते आएंगी कहाँ से? तो डॉक्टर ने मान जाता मेरे साथ। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। चल अभी चल। नहीं, पुलिस को फोन करने की क्या जरूरत है? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मम्मी का इतना बुरा हाल करके वो चोर घर लूट कर चला गया और हम पुलिस को नहीं बुलाए? अरे चोर वो पैसे लेकर गया ही नहीं। क्या, तुम्हें कैसे पता? नहीं, मेरा मतलब है कि पहले देख तो ले कि घर में क्या क्या चोरी हुई है, उसके बाद पुलिस को बुलाते हैं। कभी कभी अकलमंदी की बात करता है। अरे तू अभी इधर ही है, चल ना देखते। अरे यहाँ तो पहले से भी ज्यादा पैसा है। क्या? हाँ, ये कैसा चोर है जो पैसे लेने की बजाय पैसे छोड़कर चला गया? मैं बताता हूँ, चोर यहाँ आया था चोरी करने के लिए, लेकिन मम्मी जी के दर्शन होते ही उसकी आंखें खुल गई। आंखें मम्मी जी के पावन स्पर्श से उसे एहसास हो गया कि वो जुर्म और बुराई का रास्ता छोड़कर सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चले, इसलिए उसने वो सारे पैसे भी यहाँ छोड़ दिए जो उसने कहीं और से चुराए थे। वाह मम्मी जी वाह, यू आर ग्रेट, आप देवी हो देवी। अब अगर पुलिस को फोन किया तो वो यहाँ के पैसे ले जाएगी। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। एक मिनट, तेरा पहला वाला आइडिया बेटर है। बेटर है पैसे अंदर रख, तिजोरी बंद कर, पुलिस को कोई और फोन करे, हम भी करें। चलो